बहुत सी बार किसी रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे कैमरों में ऐसी चीज रिकॉर्ड हो जाती है जो आंखों पर यकीन न करने जैसी होती है। इसी बात पर हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसमें आप ऐसी ही फुटेजेस देखने वाले हैं, जिसमें दिखाई दी गई सबसे आखिरी फुटेज किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखे बगैर कहीं मत जाइएगा। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल Planet Earth India को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चाइना की सड़क पर लगे एक CCTV कैमरे में आंखों पर यकीन न करने वाली घटना लोगों के सामने हुई। घटना कुछ यूं थी कि एक ऑटो रिक्शा अचानक अपने आप ही उसके मालिक के हाथों से छूटकर भागता हुआ नजर आता है। आप सोच रहे होंगे कि हम भला ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही देखिए कि ये ऑटो अपने आप ही सड़क पर चले जाता है, वो भी अपने मालिक से दूर भागते हुए। इस दरमियान गनीमत ये रही कि किसी शख्स को इससे चोट नहीं आई। फिर भी ये घटना जहन में एक सवाल पैदा कर देती है कि आखिर कैसे ये रिक्शा अपने आप यूं चले जा रहा था। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? अभी हम आपको हमारे भारत देश में हुई बेहद ही रहस्यमय और चमत्कारिक घटना दिखा रहे हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं जो लकड़ियों पर लेटा हुआ है, दरअसल ये कोई मजाक नहीं जो यूं ही यहाँ लेट गया। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो हर किसी को समझ से परे है। खबरों के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोग इसे वहां इसके अंतिम संस्कार के लिए लाए थे, मगर ये संस्कार से कुछ ही वक्त पहले बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और खाने के लिए फल की इच्छा जाहिर करने लगा। ऐसे में लोगों ने आनंद फानन में उसको केले मुहैया करवाए। मगर नीचे कमेंट में आप ये बताइए, क्या आपके घर के पास भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? सड़कों पर अक्सर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो आंखों को चौंधिया डालता है। वेल, किसी गाड़ी से फिल्माई गई इस फुटेज ने भी ऐसी घटना का क्लेम किया। ये घटना आपके सामने है जिसे समझाने या बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बाइक न जाने कैसे उस चाइना वाले ऑटो रिक्शा की तरह अपने आप ही सड़क पर चले जा रही है, ना कोई ड्राइवर ना कोई रिमोट कंट्रोल। फिर ये हुआ कैसे? ये कोई चमत्कार था या लोगों को उल्लू बनाने का तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो ना। किस्मत कभी कभी राहुल द्रविड़ की तरह होती है, एक बार आगे आकर खड़ी हो जाती है फिर बड़े से बड़ा संकट हमारा बाल भी बैंका नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही हुआ इस ड्राइवर के साथ जो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि अचानक एक हाथी उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वेल, न केवल ये हाथी उसकी गाड़ी के आगे आता है बल्कि उस गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है। वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इस हाथी ने इस गाड़ी को कुचलने तक की कोशिशें की, मगर अचानक वो पीछे हट जाता है। वरना इस गाड़ी के साथ साथ इस ड्राइवर का भी कचुम्बर होने में कोई नहीं बचा पाता इसे। हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कभी कुत्तों की वफादारी पर शक मत करना। उसी का उदाहरण है ये रिकॉर्डेड वीडियो। अपने साथी कुत्ते को पानी में बहता देख दूसरा कुत्ता बड़ा तेज दिमाग लगाता है और जैसे ही वो कुत्ता उसके पास आता है, ये झट से उसके मुंह में दबा रखी लकड़ी को पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। एक कुत्ते का दूसरे कुत्ते के प्रति ऐसा बिहेवियर सच में कमाल का था। आपको ये सीन देखकर कैसा लगा बताइए ना। स्नेक रेस्क्यू टीम को अपने घर में सांप के होने की आशंका में घर पर बुलाया जाता है। ऐसे में टीम झटाझट मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है। कुछ देर की छानबीन के बाद उनको एक पाइथन स्नेक हाथ लगता है जिसे सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं, मगर तभी इनको पास ही में पड़े पाइप में और सांप होने की भनक लगती है। और बड़ी हैरत की बात है कि इस पाइप के अंदर सच में दो सांप थे, वो भी किंग कोबरा, वो भी हद से ज्यादा फंसे हुए। जैसे तैसे इनको बाहर भी निकाल लिया जाता है, मगर इनका साइज हर किसी को डरा सकता है। सोच में डालने वाली बात यह है कि ये दोनों कोबरा स्नेक इस पाइप के अंदर कैसे फंसे। उम्मीद करते हैं हमारे सभी प्यारे दर्शकों को ये वीडियो एक बार फिर से दिल को छू गई होगी। इसलिए वीडियो पर आपके प्यार और 2 लाख लाइक्स की बारिश करके आप हमारे दिल को भी गार्डन गार्डन कर दीजिए ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल Planet Earth India को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।